चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस के द्वारा आजादी की गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सलूम्बर नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से गौरव तिरंगा पदयात्रा नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रद्युम्न कोडिया, उपाध्यक्ष अब्दुल रहूफ खान, रमेश मंत्री हीरालाल तोरावत की अगुवाई में निकाली गयी। यात्रा नगर के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रवाना हुई, जो नगर के किशन पोल, विलो का दरवाजा, पुरोहितवाड़ी, रावली पोल, हर मंदिर पाल दरवाजा, माना की सेर, चुंगी नाका, तुर्की दरवाजा, नागदा बाजार, होली चौक, सराफा बाजार, सूरज पोल रोड, खटीक वाड़ा, पुलिस चौकी, लीक रोड बस स्टैंड होते हुए विश्रांति गृह में संपन्न हुई। इस दौरान नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा, आजादी के गौरवशाली 75 वर्ष पर हर भारतवासी को गर्व है। उन्होंने कहा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम सभी को मिलकर सफल बनाना चाहिए, लेकिन सरकार को हर घर रोजगार पर भी मंथन करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेसजनों का आवाहन करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा का अहंकार अंतिम सांस ले रहा है, आगे आने वाला समय कांग्रेस का होगा और एक बार फिर देश में भेदभाव रहित विकास का माहौल तैयार होगा। ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर धारोद ने कहा, जीएसटी को रोज बदलता स्वरूप, बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अपराध ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। जनता इस अहंकारी और लोकतंत्र में विश्वास न करने वाली सत्ता से निजात चाहती है। भाजपा सरकार ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में माहिर है। एकजुट होकर सरकार को जवाब देना होगा। गौरव यात्रा में समाज सेवी हीरालाल तोरावत, कैलाश सेन, सुनील सेवक, पार्षद किशन सिंह चुड़ावत, दिनेश मेवाड़ी, प्रहलाद तेली, कन्हैया लाल मीना, हितेश सेवक, नारायण लाल भोई, रोहित भट्ट यूथ अध्यक्ष, निखिल जैन, जयप्रकाश जैन, महिपाल जैन, नीलेश जैन एडवोकेट, नीलेश पूर्विया, मोहम्मद खा, इरशाद बबलू खा, अत्ता खा, नारायण लाल भोई, विजय चौबीसा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।